तो नमस्कार मित्रों, एक तरफ सात सात पार्टियां और एक तरफ एक सिंगल पार्टी। हम बात कर रहे हैं बिहार में अभी हाल ही में हुए कुर्मी की उपचुनाव की, जहां से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो विजयी घोषित हुए हैं। कल यानी 8 तारीख को इसका रिजल्ट भी आ गया। एक तरह से ये कहा जाता है और माना जाता है कि जो भी उपचुनाव होते हैं वो आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनावों की सूचक होती है, यानी जो ऊंट है वो किस करवट बैठ रहा है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं जो उपचुनाव होते हैं। महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, यानी नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में जाकर सम्मिलित हुए हैं और सरकार को चला रहे हैं, तब से बिहार में 3 उपचुनाव हुए हैं, गोपालगंज, मोकामा और उसके बाद से कुर्मी। इसमें से 2 सीट भाजपा जीत लेती है और एक मोकामा की सीट जो है वो राजद के प्रत्याशी जो वहां के बाहुबली अनंत सिंह है उनकी पत्नी जीत जाती है। हालांकि अनंत सिंह की पत्नी की जीत में सिर्फ पार्टी का ज्यादा हाथ न होकर खुद उनका जो व्यक्तित्व है वही मायने रखता है, क्योंकि वो वहां से अगर निर्दलीय भी खड़ा होते हैं तो वो वहां से जीत जाएंगे। अनंत सिंह अपने आप में इतनी काबिलियत जरूर रखते हैं। तो अब बात हो गई कुर्मी की और गोपालगंज की। गोपालगंज में भी 7-7 पार्टियां एक साथ लड़ रही थी। हालांकि यहां पे तेजस्वी यादव ने 2 जगहों पे सभाएं की, रोड शो भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा यहां से लीड कर गई। कुछ मुझे लगता है कि 1700-1800 वोटों से ही लीड की, लेकिन लीड कर गई। अब बात कर लेते हैं हम कुर्मी की। कुर्मी में जो है वो करीब 3200 वोटों से जो भाजपा के प्रत्याशी है वो वहां से विजयी हो जाते हैं। वहां भी एक तरफ 7-7 पार्टियां होती है और एक तरफ एक सिंगल जो है वो भाजपा होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो जनाधार की पार्टी है बिहार में, ये दो ही पार्टी है, एक भाजपा और दूसरी है राजद। जो जदयू है, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके पास कोई खास जनाधार है नहीं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। अभी यहाँ पे बिहार का समीकरण ही इस तरह का है कि मान लीजिए कि नीतीश कुमार जिधर भी जाते हैं उधर सरकार बन जाता है। भले उनकी कम, उनकी जो सीटें हैं वो कम आती है, लेकिन एक तरह से वो जरूर पलड़ा को है भारी कर देते हैं। लेकिन हालिया परिस्थिति में, अभी की परिस्थिति में, जो नीतीश कुमार का चेहरा है वो काफी धूमिल हो चुका है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की वजह से कहीं ना कहीं जो राजद है उसे भी घाटा यहाँ पे उठाना पड़ रहा है, जैसा कि दो जगहों पे देखा जा रहा है। उनका तो कोई खास मान लीजिए कि जनाधार है नहीं नीतीश कुमार का, लेकिन जो आम जनता है, जो उनकी धूमिल छवि बनती जा रही है, तो आम जो जनता है, जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से दरकिनार होती जा रही है, नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हालांकि उनका शुरू का जो रीजन रहा है वो बड़ा बेहतरीन रहा है और मुख्यमंत्री के तौर पे एक बेहतरीन रीजन कहा जा सकता है, जो पहले के मान लीजिए कि जब वो 5 में आए या फिर 10 में आए तब का बेहतरीन रीजन रहा। लेकिन इधर जो है वो पूरी तरीके से अब उनके मन में प्रधानमंत्री बनने का जो लालच है वो पूरी तरीके से उठ गया है, और उठने की वजह से वो बिहार पे ज्यादातर ध्यान दे नहीं रहे हैं। कई मान लीजिए कि शराब हो गया, शराबबंदी किए है, लेकिन शराबबंदी जो है वो मात्र कागज और कानून ही बनाया गया है, उसका कहीं कोई असर दिखता नहीं है। और जो बिहार के अधिकांश लोग है वो शराब को खोल देने के ही पक्ष में है, न कि बंद करने के पक्ष में। वैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या होने वाला है, क्योंकि ये उपचुनाव कहीं ना कहीं सूचक है जो भी आगामी चुनाव है, आने वाले चुनाव है उसका, कि जो माहौल है वो किस तरफ बनता जा रहा है। एक तरफ 7-7 पार्टियां होती है, लेकिन एक पार्टी जो है वो भारी पड़ जा रहा है यहाँ पे। और वैसे भी जो इस देश के प्रधानमंत्री है उनका अगर जनाधार देखा जाए, उनका चेहरा देखा जाए, तो बीजेपी जो पार्टी है उस पे कहीं नरेंद्र मोदी का चेहरा भारी पड़ रहा है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, मैं बात केवल बिहार की कर रहा हूं। वैसे भी आप लोग गुजरात का भी रिजल्ट देखे ही होंगे कि वहां पे क्या हुआ है। इन सारे चुनावों को देखते हुए, जैसा कि आप लोगों ने गुजरात में भी देखा कि कितनी प्रचंड बहुमत से वहां पे भाजपा लीड कर जाती है। हालांकि हम गुजरात की बात किसी अलग वीडियो में हम करेंगे कि आखिर उस जीत के क्या मायने हैं, लेकिन जो उपचुनाव है, बिहार में भी उपचुनाव हुए हैं, यूपी में भी उपचुनाव हुए हैं, हिमाचल में भी
वहां पे चुनाव हुआ है, वहां से जो कांग्रेस है वो बहुमत में आ गई है, लेकिन जो भाजपा है वो भी मान लीजिए कि कोई खास दूर नहीं है, उसकी दुर्दशा नहीं हुई है जिस तरह से कांग्रेस की दुर्दशा गुजरात में हुई है। तो जो भी राजनीति टीकाकार है वो इस तरह के अंदेशा लगा रहे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब आपका क्या आकलन है इन सभी विषयों को लेकर, आप एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि क्या 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी एक बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।